Tayo! Click here to subscribe! आंधी से डर लगता है। आज सुबह बहुत तेज हवा चल रही है। वो देखो, छोटी ट्रेन्स एक साथ खड़ी हैं। बाहर तेज हवा चल रही है। डर लग रहा है। हवा से डरने वाली क्या बात है, डरपोक बिल्ली कहीं की। क्या कहा तुमने? हम डरपोक बिल्ली नहीं हैं। तुम यहाँ पर हो? छुप के बैठे हो दोस्तों? हेलो, क्या हवा बहुत तेज चल रही है? ऐसा लग रहा है कि आंधी आएगी, इसलिए अपना ध्यान रखना तुम सब। ठीक है। क्यों? क्या आंधी खतरनाक होती है? बहुत, आंधी आती है तो हादसे होते हैं। बिल्कुल ठीक। याद है पिछली बार आंधी में क्या हुआ था? टोनी हार्बर की तरफ जा रहा था। इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? ये कैसी आवाज आ रही है? हवा कुछ ज्यादा ही तेज है। उस हादसे से हम सब बहुत डर गए थे। हवा ने टोनी को गिरा दिया था। लेकिन तेज हवा मुझे नहीं गिरा सकती। तुम्हें हवा की ताकत का अंदाजा नहीं है डीजल। तुम्हें पता नहीं, आंधी पहाड़ को भी गिरा सकती है। डीजल, तुम्हें तो काम पर जाना है ना? हाँ, उसे जाना है। बेचारा डीजल। जरा सी तेज हवा से मैं नहीं डरने वाला हूँ। डीजल? जी मिस्टर हब। आज तुम्हें खदान में जाना है, लेकिन मौसम बहुत खराब है। क्या तुम जा पाओगे? जी बिल्कुल। क्या तुम सच में जाओगे? हाँ, तुमसे बाद में मिलता हूँ। अपना ख्याल रखना तुम। चिंता मत करो, मैं डीजल हूँ। ठीक होगा। हवा पहले से ज्यादा तेज हो गई है और बारिश भी होने लगी है। उम्मीद है डीजल ठीक होगा। इतनी बारिश में ट्रैक्स पर फिसलने का डर होता है। डीजल एक हिम्मत वाली मालगाड़ी है, वो संभाल लेगा। ठीक कहा, तुम चिंता मत करो दोस्तों। ठीक है। जी मिस्टर हब। खदान के रास्ते पर चट्टानें गिर गई हैं और एक रेल वहाँ फंस गई है, आगे नहीं जा पा रही। तुम्हारी वहाँ जरूरत है। हम जा रहे हैं मिस्टर हब। क्या हो गया? खदान के पास कई चट्टानें गिर गई हैं, एक ट्रेन वहाँ पर फंस गई है और उसे हमारी जरूरत है। खदान के पास? कहीं वो डीजल तो नहीं है ना? जब तक हम वहाँ पहुँच न जाएं ये पता नहीं चल सकता। चलो चलते हैं, आओ लिफ्ट। चलो। अगर वो डीजल हुआ तो? कोई मुझे बचाओ प्लीज। मुझे चिंता हो रही है। जीनी, मिस्टर हर्ब के पास चलते हैं और डीजल के बारे में पूछते हैं। ठीक है। डीजल, डीजल। ओह, ये क्या है? इस आंधी में तो संपर्क भी नहीं हो पा रहा। बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है। चलो जल्दी से काम निपटाता हूँ मैं। मिस्टर हर्ब से कोई संपर्क न होने की वजह से डीजल खदान की ओर चलता रहा। अब क्या करूँ? मुझे डीजल को बताना है कि उसकी शिफ्ट रद्द हो गई है। मिस्टर हर्ब! मिस्टर हर्ब! क्या बात है? हमें डीजल की चिंता हो रही है, क्या वो खदान पहुंच गया? इस आंधी की वजह से मैं डीजल से संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कह रहे हो? बहुत बुरा हुआ। फिर तो वो दुर्घटना डीजल के साथ ही हुई होगी। मिस्टर हब। ओह फिक्स, हमने टोनी को बाहर निकाल लिया है। हम उसे ठीक कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। ठीक है, शाबाश। चट्टान गिरने पर जो ट्रेन फंसी थी वो टोनी था। तो डीजल जवाब क्यों नहीं दे रहा? मिस्टर हब, कहीं डीजल को कुछ हो तो नहीं गया ना? देखते हैं। डीजल, डीजल, सिग्नल नहीं आ रहा। जैसे ही बात होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। बाहर खड़े रहना खतरनाक है, इसलिए अपने क्वार्टर में चले जाओ। जी सर। जीनी, चलो हम डीजल को ढूंढने चलते हैं। लेकिन मिस्टर हब ने हमें क्वार्टर में जाने के लिए कहा है।
हम डीजल को ढूंढकर वापस ले आएंगे, मिस्टर हब को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें पता भी है डीजल कहाँ है? वो खदान जा रहा था, तो उसी रास्ते पर चलते हैं। ठीक है। टीटी पो, जेनी। सेंटर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा था, तभी मैंने तुम दोनों को देखा। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? दरअसल हम डीजल को ढूंढने जा रहे हैं क्योंकि उससे बात नहीं हो पा रही। हमारे बाहर जाने से मिस्टर हब परेशान होंगे, तो उन्हें मत बताना। क्या? हम जल्दी वापस आ जाएंगे। अरे सुनो दोस्तों, ध्यान रखना अपना। टीटीपो टीटीपो। आखिरकार पहुंच ही गया मैं। डीजल, आंधी की वजह से काम कैंसिल हो गया है, तुम्हें संदेश नहीं मिला क्या? क्या काम कैंसिल? ओ, इस मौसम की वजह से मेरा रेडियो काम नहीं कर रहा शायद। तुम्हें जल्दी घर वापस जाना चाहिए डीजल। मुझे पता नहीं था कि हवा से चट्टाने भी गिरती हैं। फिक्स और लिफ्ट इस बारे में सच ही कह रहे थे। डीजल, कहाँ हो तुम? डीजल अकेला है, उसे ज्यादा डर लग रहा होगा, तो जल्दी से उसे ढूंढते हैं। डीजल, डीजल, डीजल वापस चूचू टाउन आ गया। डीजल, टिटी और जीनी कहाँ पर रह गए? कहाँ है मतलब? वो दोनों तो तुम्हें ढूंढने गए थे ना? इतनी जबरदस्त आंधी में वो दोनों बाहर गए हैं? तुम एक दूसरे को देख नहीं पाएगे। डीजल, मौसम बहुत खराब हो गया है, इसलिए घर पर इंतजार करो। टीटीपो, जीनी, सेटर, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। डीजल, डीजल, कहाँ हो तुम? मुझे लग रहा है कि डीजल को कुछ हो गया है। नहीं जीनी, मुझे विश्वास है डीजल ठीक होगा। हिम्मत से काम लो और उसे ढूंढती रहो। ठीक है। टीटीपो, जीनी, मुझे ढूंढते हुए उन दोनों को कुछ हो ना गया हो कहीं? हाँ, मैं अपना हॉर्न बजाता हूँ, टीटीपो और जीनी शायद उसे सुन ले। कहाँ हो दोस्तों? वो यहाँ पर भी नहीं है। सुनो, ये आवाज कैसी? हॉर्न की आवाज। चलकर देखते हैं। ठीक है। टीटीपो, जीनी, डीजल। अरे तुम लोग मिल गए। डीजल, वाह, आखिरकार तुम मिल ही गए। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मुझे भी, जब पता चला कि तुम मुझे ढूंढने गए हो तो मैं बहुत परेशान हो गया। अच्छा हुआ हम सब ठीक है। हाँ, शुक्र है। चलो जल्दी से चूचू टाउन चलते हैं। ठीक है। अब बरसात कम होने लगी है, ये अच्छी बात है। अभी हम कंटेनर से टकरा जाते हैं। अब हम क्या करें, इनसे तो रास्ता ही रुक गया है। अब हम चूचू टाउन वापस कैसे पहुंचेंगे? ये बहुत भारी लगते हैं। हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। आइडिया? टीटीपो, जीनी और डीजल एक दूसरे से जुड़ गए। अगर हम जुड़कर अपनी ताकत मिला लें, तो इन भारी डिब्बों को रास्ते से हटा सकते हैं। बिल्कुल ठीक, जुड़ने के बाद हमारी ताकत बढ़ जाएगी। ए, आइडिया अच्छा है टीटीपो, अब अपनी ताकत मिलाकर कंटेनर्स को धक्का देते हैं। तो काम बन गया। तैयार हो? एक, दो, हमने कर दिखाया। हमने कर दिखाया दोस्तों। आइडिया काम कर गया। ओ, ऊपर देखो, सूरज निकल आया। ओ, हाँ। वाह।
शायद अब आंधी नहीं आएगी। लगता तो यही है। हाँ अब जल्दी घर चलते हैं। चिंता हो रही है, ये सब लोग कहाँ चले गए? हम वापस आ गए मिस्टर हर्ब। ओह, चलो शुक्र है तुम सब ठीक हो। बताओ हुआ क्या था? टीटी पोर जी ने मुझे बचाने के लिए निकल पड़े और फिर डीजल चला गया हमें ढूंढने के लिए। किसी को चोट तो नहीं लगी? मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मैं ठीक हूँ मिस्टर हर्ब। हम भी ठीक हैं। अब चैन आया। लेकिन तुम लोग बिना बताए क्यों चले गए थे? जी। मैंने तुमसे जाकर क्वार्टर के अंदर रहने के लिए कहा था, कहा था कि नहीं? हम आगे से सब बातें मानेंगे। माफी चाहते हैं हम। जानते हो, शुक्र है डीजल ठीक है, लेकिन खराब मौसम में सबको हमेशा सावधान रहना चाहिए। मैं टीवी पर दिखना चाहता हूँ। जूजू टाउन में एक नई सुबह। हेलो मिस्टर हब। ओ टीटीपो, आज काम पूरा करके सीधा घर ही आना। क्यों? टीवी वाले सभी ट्रेन्स का इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं, उसके बाद वो एक सबसे अच्छी ट्रेन चुनेंगे। वाह, इसका मतलब ये हुआ कि मैं टीवी पर आऊँगा? हाँ बिल्कुल, दूसरी रेल भी जल्दी घर आ रही है, इसलिए लेट मत होना। नहीं होऊंगा, अब मैं काम पर चलता हूँ। टीवी पर देखने की बात सुनकर टीटी पो बहुत उत्साहित है। मिलिए दुनिया की बेहतरीन रेल टीटी पो से। सबको मेरा हेलो। सबका दोस्त, सुरक्षित और समय पर पहुंचाने वाला सबसे मेहनती टीटी पो, सबसे अच्छी ट्रेन का इनाम इसे ही मिलना चाहिए। सभी को गुड मॉर्निंग। हेलो। टीवी पर आने के बाद मैं स्टार बन जाऊंगा। सभी को हेलो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सब मुझे चाहते हैं। टीटी पो, हाँ तुम अब तक जा क्यों नहीं रहे हो? माफी चाहता हूँ। काम के समय सपने मत देखा करो, अपने काम पर पूरा ध्यान दो। जी सर। लगता है टीवी के लोग पहुंच चुके हैं। तैयार, स्टार्ट। आपका स्वागत है, आज हम मौजूद हैं चूचू शहर में और मेरे साथ है चूचू शहर की ट्रेन मास्टर। ट्रेन के बारे में बताइए सर। आप सभी को हेलो। बहुत सी रेलों में चूचू शहर, मेरा मतलब है चूचू शहर में बहुत सारी रेल रहती हैं। मिस्टर हर्ब, क्या? आराम से बोलिए, घबराइए मत। अच्छा ठीक है। अब हम इस शहर की दो रेलगाड़ियों के घर में हैं। दिन भर हम रेलगाड़ियों से बातें करेंगे। सबसे पहले हम इन दो रेलगाड़ियों से मिलेंगे। हेलो, क्या आप अपने काम के बारे में बताएंगे? जी हाँ जरूर, क्यों नहीं। मेरी तरफ मत देखिए, उधर देखिए, कैमरा उधर है। सभी को हेलो, हम दोनों यहाँ की सर्विस रेल हैं। हम मुसीबत में ट्रेन की मदद करते हैं। वाह क्या बात है, अरे आपने अपना नाम ही नहीं बताया। मैं हूँ सर्विस रेल फिक्स। और मैं हूँ उसका साथी बेहतरीन लेव। बुया, बुया। क्या आप सुनना चाहेंगे हमारा रैप? हमारा एक खास रैप है जिसे हम काम पर जाते वक्त गाते हैं। चलिए सुनाइए। फिक्स फिक्स, मेरा नाम है फिक्स। एक मिनट जी, खदान में एक दुर्घटना हो गई है, वहाँ तुम्हारी जरूरत है। सुनो लिफ्ट, हमें जल्दी चलना है। ठीक है, क्या आपको अभी जाना होगा? हाँ, हम आपको रैप अगली बार सुनाएंगे। हम माफी चाहते हैं आपसे। कोई बात नहीं, चलो चले। हम स्टेशन पहुँच गए। मेरा काम खत्म हो गया, अब जल्दी से शहर चलता हूँ। आओ बेटा, ये रेल डरावनी है। नानी माँ के पास जाना है तो इसमें बैठना पड़ेगा। ओह, ये क्या मुसीबत है अब? मुझे बहुत डर लग रहा है। कोशिश करता हूँ उनकी मदद करने की। वापस जाओ टीटी पो। अगर जल्दी नहीं पहुँचे तो टीवी पर आने का मौका गवा दोगे। बात तो तुम्हारी ठीक है,
मुझे वापस चलना चाहिए। रुक जाओ। एक अच्छी रेल जरूरतमंद यात्रियों को छोड़कर नहीं जाती। तुम्हें वहाँ जाकर छोटे बच्चे की मदद करनी चाहिए। बेकार की बातें मत सोचो, सोच समझकर फैसला लो। तुम बन सकते हो सुपरस्टार। बच्चे को भूल जाओ और वापस शहर चले जाओ। मतलब ही मत बनो, सही तो यही होगा कि तुम बच्चे की मदद करो। इसकी बात मत सुनो, सुनोगे तो टीवी पर नहीं आ पाओगे। बस बहुत हुआ, मैं जरूरतमंद यात्री को नहीं छोड़ सकता। मस्ती में चलती रहे छोटी रेल चिटीपो। पटरी पे चलती रहे चिटीपो। होई मॉम, इस ट्रेन को देखिए, कितनी फनी हो तुम। बिल्कुल हूँ, मैं डरावना भी नहीं हूँ ना। अब तो ट्रेन में जाओगी ना तुम? हाँ मॉम। मदद के लिए शुक्रिया छोटी ट्रेन। ये मेरा फर्ज है। चिचीपो, चिचीपो। जीनी वापस चूचू शहर आ गई। मैं काम करके आ गई। क्या हम बात कर सकते हैं? बात? क्या हम आपका छोटा सा इंटरव्यू ले सकते हैं? जरूर। मैं लिए छोटी रेल से जो अभी अभी काम से लौटी है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जीनी, एक पैसेंजर ट्रेन। तुम अभी काम से लौटी हो और फिर भी इतनी साफ और चमकती हुई? क्योंकि मैं यात्रियों को लाती ले जाती हूँ, मुझे साफ रहना ही चाहिए। जीनी। जी सर। एक मेहनती मालगाड़ी अभी अभी काम से लौटी है। ये है डीजल। आपसे मिलकर अच्छा लगा, पर ये कैमरा क्यों लगा रखा है? डीजल, ये हमारी फिल्म बना रहे हैं। क्या, हमारी फिल्म बना रहे हैं? ओह, आज मैंने खदान में काम किया इसलिए मैं बहुत गंदा हूँ। इससे साबित होता है कि तुम मेहनती हो, बहुत ही अच्छे लग रहे हो। मैं अच्छा लग रहा हूँ? मुझे मालूम था आप भी यही बोलेंगी। अच्छे लग रहे हो। बाय टीटीपो। बाय बाय। तुम्हारा शुक्रिया टीटीपो। मदद करके अच्छा लगा। टीटीपो, जी कहिए मिस्टर हर्ब। तुम हो कहाँ? मैं अभी स्टेशन पर हूँ, अब शहर आ रहा हूँ। चलो अच्छा हुआ। तुम्हारे पास एक रेल खराब हो गई है, वहाँ जाकर तुम उसकी मदद कर दोगे प्लीज? तो फिर क्या होगा इंटरव्यू का? सबसे पास तुम ही हो, इसीलिए माफी चाहता हूँ। ठीक है। रेल तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है, अगर मैं टीवी वालों से मिलकर बातें कर पाता तो कितना मजा आता। लेकिन साथ ही रेल की मदद करना ज्यादा जरूरी है, तो ठीक है मैं चलता हूँ। और इंटरव्यू लेने की जरूरत है? नहीं, मेरे ख्याल से हमने आज काफी इंटरव्यू कर लिए हैं। तो क्यों ना हम दूसरी रेल गाड़ियों से भी बात कर लें? तो फिर चलो। ये ट्रेन चलने कब शुरू होगी? मैं माफी चाहता हूँ। मदद के लिए मैं आ गया। ओ, कितना अच्छा हुआ तुम आ गए, पता नहीं क्यों लेकिन मैं चल नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे सभी यात्रियों को मैं ले जाऊंगा। शुक्रिया टीटीपो। फिक्स और लिफ्ट यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे, चिंता की कोई बात नहीं। आपका स्वागत है, अब ये रेल जाएगी। अब हम चल रहे हैं। रुको, मैं आ रहा हूँ, प्लीज मेरे लिए रुको। लेकिन मुझे जल्दी वापस जाना है। देखो तुम चले मत जाना। अभी नहीं चलूँगा, अगर अभी चल पड़ा तो दादाजी घर नहीं पहुँच पाएंगे। ध्यान से सुनिए, हम यहाँ से तब चलेंगे जब ये वृद्ध व्यक्ति चढ़ जाएंगे। धन्यवाद। अब हम चल रहे हैं। आखिरकार काम पूरा करके टीटीपो वापस शहर पहुंच गया। अरे दोस्तों, कहाँ है टीवी वाले? वो तो चले गए, अब तो शो शुरू होने वाला है, मजा आएगा। हम सब एक साथ देखेंगे, जल्दी आ जाओ, इंतजार नहीं हो रहा है। अफसोस, मैं उसमें नहीं होऊंगा। अरे बाप रे, टीटीपो दुखी है कि वो इंटरव्यू नहीं दे पाया। ये कब शुरू होगी?
बस थोड़ी ही देर में। हाय दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा। हेलो। हाँ ये शुरू हो गया। ट्रेन के बारे में बताइए सर। मिस्टर हब बोल रहे हैं। वाह। कैसे बोल रहे हैं मिस्टर हब? वो थोड़ी घबराए हुए लग रहे हैं। अब हम सबके इंटरव्यूज आएंगे। आप सभी को हेलो। मेरा नाम है सिंह सिंह। मैं यात्रियों को जल्दी और सुरक्षित यात्रा कराती हूँ। वाह क्या बात है। चूचू शहर की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन है। ये है जुड़वा मालगाड़ी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मैनी। और मेरा नाम है बर्नी। वाह बढ़िया। आगे मिलते हैं एक छोटी रेल से जो अभी अभी लौटी है। छोटी रेल गाड़ियाँ अपने आप को टीवी पर देखकर बहुत खुश थी। अच्छा लग रहा था ना मैं? हाँ? तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। सिर्फ मैं टीवी पर नहीं आया। देखो टीटी पो। एक रेल में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से बहुत से यात्री स्टेशन पर ही फंस गए हैं, लेकिन एक छोटी रेल पहुंच गई है उनकी परेशानी दूर करने के लिए। आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तब चलेंगे जब ये चढ़ जाएंगे। टीटी पो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस रेल की वजह से सबसे अच्छी रेल तुम ही हो टीटी पो। शुक्रिया दोस्तों। चलिए देखते हैं यात्रियों का क्या कहना है। तुमने मेरा इंतजार किया इसलिए मैं सुरक्षित घर पहुंच पाया। धन्यवाद टीटी पो। टीटी पो ने मेरे लिए गाना गाया। टीटी पो टीटी पो टीटी लीटी टीटी पो। ओ ये तो वो बच्चा और दादाजी हैं जिनकी मैंने मदद की थी। तो ये रेलगाड़ियाँ इसी तरह हर रोज मेहनत करती हैं ताकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो, इसलिए इन सब का शुक्रिया। उम्मीद है कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप सबका शुक्रिया। तुम कमाल के हो टीटी पो। हाँ मैं तो तुम्हें ही देखती रह गई। तुम सबसे अच्छे हो टीटी पो। सच कहा, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। शुक्रिया दोस्तों। टीटी पो शो में आ ही गया। बहुत बहुत मुबारक हो टीटी पो। मैं बहुत खुश हूँ मैं टीवी पर आया। डीजल का खजाना। हाँ ये आवाज कैसी है? ओ छोटी ट्रेन्स फिल्म देख रही हैं। बचाओ, बचाओ यहाँ से। शायद गार्डन एक्स वहाँ से सबको बचा कर ले जाएगा। ये बिल्डिंग धमाके से नीचे गिरने वाली है। आ गए, डरने की जरूरत नहीं, अब तुम सुरक्षित हो दोस्त। ये सबसे शक्तिशाली है। वाह, गार्डियन एक्स। अगला दिन शुरू हो चुका है। डीजल हमेशा की तरह मेहनत से काम कर रहा है। जल्दी से काम खत्म हो जाए तो मैं गार्डियन एक्स की मूवी देखूं। एक मिनट रुकिए। कैसे हैं? गार्डियन एक्स यहाँ। विश्वास नहीं होता कि आप मेरे सामने हो। तुम्हें रोकने के लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं। मुझे हीरो स्टूडियोज जाना है। तुम्हें पता है कि कहाँ है? हाँ पता है। सीधे चौराहे पे जाइए, फिर दाहिने मुड़ी और सीधे जाइए। वाह गार्डियन एक्स मुझसे बात कर रहे हैं, ये जरूर सपना है। बहुत मजाक किया हो। तुम्हारा नाम क्या है छोटी ट्रेन? जी डीजल है। बहुत बहुत शुक्रिया डीजल। एक मिनट। हाँ? वो मुझे एक काम है आपसे। काम? अपना काम पूरा करने के बाद डीजल वापस चूचू टाउन जा रहा है। अरे ये तो टीटीपो है। टीटीपो कैसे हो दोस्त? हेलो। जरा मुझे देखो, क्या मुझमें कुछ अलग दिखाई दे रहा है? तुम्हारे चेहरे पर जो धूल है उससे लगता है तुमने कोयला खींचा। धूल को छोड़ो, जरा मेरी साइड में तो देखो। साइड? ओह ये तो गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ है। ये तुम्हें कैसे मिला? मैंने उसे रास्ता बताया और उसने मुझे ऑटोग्राफ दिया। वाह तुम कितने लकी हो। मैं बहुत लकी हूँ। लेकिन जानते हो ये तो मिट जाएगा जब तुम नहा कर आओगे। तो मैं कभी नहीं नहाऊंगा। ये मेरा सबसे बड़ा खजाना है, मैं जल्दी जाकर सबको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन डीजल, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ।
लेकिन काम पर तो उसे साफ सुथरा ही जाना पड़ेगा। डीजल ने अपने हर दोस्त को गार्डियन एक्स के ऑटोग्राफ दिखाए। आए जीनी, जानती हो आज मैं गार्डियन एक्स से मिला। गार्डियन एक्स से मिले? वाव, तुम्हें गार्डियन एक्स के ऑटोग्राफ मिले? कितना मस्त है ना? हाँ, अगर आज मैं नहीं होता ना तो गार्डियन एक्स शूटिंग पे नहीं पहुँच पाता। अच्छा, तुमने कमाल कर दिया डीजल। उसने थैंक यू कहते हुए मुझे ऑटोग्राफ दिया है? ये देखो, मस्त है ना? ये तो साफ पता चल रहा है कि मैं नहाया नहीं हूँ। अगर मिस्टर हब ने मुझे ऐसे देख लिया तो तुरंत मुझे नहाने के लिए भेज देंगे। डीजल, कितनी बार कहा है कि काम पर जाने से पहले नहाया करो। अब मैं क्या करूँ? मैं सुबह जल्दी उठूंगा और मिस्टर हब से बचकर निकल जाऊंगा। कितना समझदार हूँ मैं। चूचू शहर में एक नई सुबह की शुरुआत और डीजल चुपके से काम के लिए निकल रहा है। मैं आवाज किए बिना जाता हूँ। चुपचाप चुपचाप। तरकीब कामयाब हो गई। गुड मॉर्निंग। आज जल्दी आ गए डीजल। बिल्कुल, तो आज मैं क्या ले जा रहा हूँ? आज तुम्हें यहाँ से खाद के बोरे ले जाने हैं। ठीक है। वो ऑटोग्राफ। तुम्हें पता है क्या? क्या? मेरे पास कुछ मस्त है, देखकर हैरान हो जाओगे तुम। बिना बताए पीछे मत आओ। क्या तुम ठीक हो डीजल? मैं ठीक हूँ। ये बदबू कैसी आ रही है? खाद के कुछ बोरे फट गए हैं। खाद में बहुत बदबू होती है। डीजल, तुम काम के बाद नहा लेना। पर क्या बिना नहाए मेरा काम नहीं चल सकता? ऑटोग्राफ। यहाँ इस तरफ खाद आ गई है। तुम में से बदबू आ रही है। आज तुम इतने गंदे क्यों हो डीजल? माफ कीजिए। काम के बाद तुम्हें सीधा नहाने के लिए जाना होगा। अब मैं क्या करूं? कितना प्यारा पपी है। अरे मेरे ऊपर नहीं, गंदा पपी। मैं नहा भी नहीं सकता हूँ, क्या करूं मैं अब? टिटीपो टिटीपो। पूरी तरह गंदा होने के बाद डीजल चूचू टाउन पहुंचा। हाय दोस्तों। हेलो डीजल। तुम ऑटोग्राफ फिर से देखोगे? नहीं शुक्रिया। अरे पर ये गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ है, देखो तो सही। तुम दूर रहो, तुमसे बदबू आ रही है। क्या सच में बदबू आ रही है? हाँ। ठीक है फिर, मैं नहा ही लेता हूँ। बिल्कुल सही फैसला लिया तुमने। हम ट्रेन वॉश तक तुम्हारे साथ चलते हैं। टीटीपो और जीनी डीजल को ट्रेन वॉश ले गए। ठीक है, तुम अंदर जाओ डीजल। तुम साफ हो जाओ, फिर खेलने चलेंगे। ठीक है। कितनी ट्रेन्स के पास मेरा ऑटोग्राफ है? सिर्फ तुम्हारे पास डीजल। मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ नहीं मिटाऊंगा। मैं नहीं नहाऊंगा। टीटीपो और जीनी को अपने दोस्त डीजल की बहुत चिंता हो रही है। समझ नहीं आता, अगर वो नहीं नहाएगा तो बदबू बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ठीक। ये ठीक रहेगा, लगता है आज जरूर बरसात होगी। टीटीपो, हम डीजल के साथ पिकनिक पर चलते हैं। पिकनिक? लेकिन आज बरसात होगी। वही तो, अगर उस पर बरसात हो जाए तो वो अपने आप साफ हो जाएगा। वाह जीनी, तुम बहुत समझदार हो। चलो, अच्छा किया कि मैं नहाया नहीं। गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। देखो मैं नहाने वाला नहीं हूँ। हम यहाँ इसलिए नहीं आए डीजल, हम पिकनिक पर चलते हैं। पिकनिक? ठीक रहेगा। बढ़िया। छोटी रेलगाड़ियाँ घूमने जा रही हैं।
बादल घिरे हुए हैं, लगता है आज बारिश होगी। ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत करो। ठीक कहा, वैसे भी हम पहुंचने वाले हैं। देखो बारिश हो गई, जल्दी से चूचू टाउन चलते हैं। लेकिन क्यों? क्या तुम्हें बरसात अच्छी नहीं लग रही है? हाँ बिल्कुल, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? हाँ वैसे मजा आ तो रहा है। अरे नहीं, गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ धुलकर मिट रहा है। बारिश रुक गई। डीजल, तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा? किस बारे में? फिर से साफ होकर। मेरा ऑटोग्राफ। दोस्तों बताओ, क्या वो अब भी मुझ पर है? ओ नहीं, वो धुल गया। क्या? लेकिन अच्छा ये हुआ कि तुम साफ हो गए और तुमसे बदबू नहीं आ रही। ऑटोग्राफ धुल गया? तुम दोनों जानते थे कि बारिश होगी और चालाकी से मुझे यहाँ ले आए तुम। हम तुम्हारा भला चाहते थे। लेकिन तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ। डीजल, डीजल हमसे बहुत नाराज है। बुरा लग रहा है। हम किसी तरीके से उसे फिर से ऑटोग्राफ नहीं दिलवा सकते? हाँ, मुझे एक आइडिया आया। अगर हम उस स्टूडियो में जाएं जो डीजल ने बताया था, तो हम गार्डियन एक्स से मिल सकते हैं। जो हुआ वो बताकर हम फिर से ऑटोग्राफ ले लेंगे। अच्छा आइडिया है, तो अभी चलते हैं। ठीक है। डीजल, डीजल, चलो बाहर आ जाओ। क्यों आऊँ मैं अब? तुम्हारी वजह से मेरा सबसे कीमती खजाना चला गया। डीजल, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। बाहर नहीं आए तो बाद में पछताओगे। डीजल, अरे बाहर तो आओ। टीटीपो, मुझे पता है कि तुम गार्डियन एक्स की आवाज निकाल रहे हो। ठीक है, मैं तुमसे मिलने आया था, पर चलो अब वापस चला जाता हूँ। क्या ये सच में गार्डियन एक्स होगा? डीजल, गार्डियन एक्स। क्या हाल है दोस्त, फिर मिल गए हम। जानता हूँ मैं नकली अच्छी करता हूँ, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं। डीजल, सुना मेरा ऑटोग्राफ मिट गया है? वो मेरा अनमोल खजाना था। अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये लो। उम्मीद है ये तुम्हारे पास ज्यादा वक्त तक रहेगा। गार्डियन एक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत कहो, शुक्रिया तुम्हें अपने दोस्तों का करना चाहिए। दोस्तों का? तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए एक और ऑटोग्राफ लेने आए थे। टीटी पो और जीनी ने पूरा दिन मेरी शूटिंग खत्म होने का इंतजार किया। इसीलिए यहाँ पर आए आप। शुक्रिया दोस्तों, मेरे लिए कितना सोचते हो तुम। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। हम खुश हैं क्योंकि तुम खुश हो डीजल। तो यहाँ आने के लिए शुक्रिया गार्डियन एक्स, क्या मुझे ऑटोग्राफ दोगे? अपने दोस्तों की वजह से डीजल को एक नया खजाना मिला। मुबारक हो डीजल।